राजगढ़ कस्बे के खरखड़ा चौराहे पर स्थित एक दुकान पर अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना पर एसडीएम पवन कुमार ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की। पुलिस को देखकर सेल्समैन मौके से फरार हो गया। एसडीएम पवन कुमार ने बताया कि अवैध रूप से शराब बेचे जाने की सूचना विगत कई दिनों से मिल रही थी। राजगढ़ नगर पालिका के वार्ड पार्षद के उपचुनाव होने के कारण 3-4 दिन का ड्राई डे होने के बाद भी खरखड़ा चौराहा पर स्थित एक दुकान अवैध रूप से शराब बेचे जाने की सूचना पर उन्होंने कार्यवाही करते हुए 3 बियर की बोतलें तथा 30 देसी अंग्रेजी शराब के पौवे जब्त किए। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवैध शराब को जब्त कर थाने ले गई। मामले पर कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही को देखते हुए सेल्समैन मौके से फरार हो गया है। कार्यवाही को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताएं, ये कल रात को शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, क्योंकि ये इनके पास में तो शराब बेचने के लिए लाइसेंस है, और दूसरी बात ये है कि अभी चुनाव चल रहे हैं इसलिए ड्राई डे लागू है, तो न तो दिन में और न ही रात में शराब बेचने की अनुमति किसी को है, इसलिए शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की गई है। 3 बियर की बोतलें और 30 देशी और इंग्लिश शराब के क्वार्टर है वो बरामद किए गए हैं, जिनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। सर, कौन से स्थान पर की गई कार्रवाई? ये पहला चौराहे के पास एक दुकान है जो उसने किराए पे ले रखी है। सर, मौके पर क्या क्या मिला? कितने कार्टून खाली पड़े हुए थे? कैसा लग रहा था? खाली कार्टून तो खूब है, जिसको देख के ये लगता है कि काफ़ी समय से बेची जा रही है। इसके अलावा जो बरामद हुई है उसमें 3 बियर की बोतलें और 30 शराब के जो क्वार्टर है वही बरामद हुई है। आगामी फिर इसकी कार्रवाई और जारी रहेगी काफी मात्रा? इसको आगे सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। राजगढ़ क्षेत्र में काफी मात्रा में अवैध ब्रांचें खुली हुई है, किस प्रकार की कार्रवाई चालू रहेगी आगे तक? जब भी शिकायत मिलेगी उन ब्रांचों को बंद कराया जाएगा, और जो वहाँ सेल्समैन मिलेगा उसको गिरफ्तार करके राजस्थान एक्साइज एक्ट में उसके खिलाफ मामला चलाया जाएगा। यहाँ पर भी जो सेल्समैन है उसको गिरफ्तार किया जाता, परंतु शायद उसको किसी माध्यम से सूचना मिल गई इसलिए वो यहाँ से फरार हो गया।